हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी होली आने वाली है तो इसके उसमें मैं आपको एक मसाला बनाना बताऊंगी, ठंडाई मसाला। अगर इस मसाले को आप पहले से ही बना के रख लेंगे तो आपकी जो ठंडाई है वो उसको बनाने में आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। तो ये मसाला जैसे त्योहार होते हैं तो टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए आप इस मसाले को या इस मिक्सचर को पहले से ही बना के रख सकते हैं। और मैं इसे एक स्पेशल ट्रिक के साथ बनाऊंगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसे मैंने गैस पे रख दिया है। उसमें डाले हैं मैंने कुछ बादाम, इन्हें हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। जब बादाम को ड्राई रोस्ट होता है आधा से पौना मिनट हो जाएगा या 1 मिनट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से पिस्ता। ये है इलायची के दाने जिसे मैंने इलायची में से निकाल लिया। ये ऑप्शनल, अगर आपको इलायची का टेस्ट अच्छा नहीं लगे तो आप इसे ना डालें। ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। 2 चम्मच में डालूंगी इसमें सौंफ। ये है खरबूजे के बीज, ये भी मैं 2 चम्मच डालूंगी। ये है काली मिर्च, काली मिर्च मैं यहाँ पे 12 से 13 के करीब डाल दूँ, 13-14 मिर्च डाल दूँ। आप इसे अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी कम भी डाल सकते हैं, और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसमें ना तो बहुत ज्यादा डालूँ ना बहुत कम। इसके बाद हम डालेंगे इसमें खसखस जिसे पोपी सीड्स भी बोलते हैं, ये भी मैं यहाँ पे 2 चम्मच डाल रही हूँ। अब इन सबको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अगर ये एक ट्रिक है, अगर इसे ड्राई रोस्ट करके आप पीसेंगे, एक तो इससे जो ठंडाई है उसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा और इससे पीसने में भी बहुत ही आसानी होगी। इसका जो भी मॉइस्चर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा इन ड्राई फ्रूट्स का। तो हमेशा कभी भी आप ठंडाई के लिए मसाला ये जो मिक्सचर बनाएं तो इसे हमेशा भूनकर ही बनाएं, तो इससे हमारी जो ठंडाई है बहुत ही अच्छी बनती है। अरे जो जितने भी हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो सारे अब रोस्ट हो गए हैं। हमें इन्हें बहुत जलाना नहीं है, सिर्फ जैसे इनमें हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए हमें गैस को बंद कर देना है। और अब इसमें डालूंगी मैं कुछ गुलाब के जो फूल होते हैं उनकी पंखड़ियां। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें गुलकंद भी डाल सकते हैं ठंडाई को बनाते हुए, तो उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब हम कर देंगे गैस को बंद। अब इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद इन्हें ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। फ्रूट्स हैं वो सारे भुन गए, पीस गए हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी चीनी। यहाँ पे मैंने ये करीब 250 ग्राम चीनी ली है, इसे इसमें मिक्स कर दूंगी और इसको भी अब इसके साथ ही पीस लूंगी। तो जो हमारा ड्राई फ्रूट था उसे हमने पीस लिया चीनी के साथ। तो अब देखिए इसमें मैं इसे निकाल दूंगी, इस पाउडर को। तो आप इस पाउडर को पहले बनाकर रख लें 3-4 दिन पहले, और होली वाले दिन फटाफट से ठंडा दूध लें और इसमें मिक्स करें और फटाफट से आपकी ठंडाई तैयार हो जाएगी। तो इधर आप देख रहे हैं कि मैंने एक ग्लास में लिया ठंडा दूध। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 3 चम्मच मिक्सचर, ठंडाई मिक्सचर जो है, और इसे अच्छे से हिला लेंगे। चीनी इसमें पिस गई है मिक्सी में, तो इसे ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा मिलाने में भी। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो ठंडाई है वो बनकर तैयार है। अब इसे मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी केसर वाला दूध, थोड़ा सा केसर वाला दूध। इससे केसर की बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू हो जाएगी। केसर को यहाँ मैंने पहले से ही भिगो के रख दिया था। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई बनकर तैयार है। इसके ऊपर मैं इसे थोड़ा सा कर दूंगी डेकोरेट, केसर के 1-2 धागे डाल दूंगी, और ऊपर से थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी पिस्ता। तो आप देख रहे हैं कि फटाफट झटपट से, अगर हमारे पास ये मसाला है तो हम फटाफट से अपनी ठंडाई को होली पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये ठंडाई के मसाले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरी इस रेसिपी को अपने दोस्त और फैमिलीज के साथ भी और मेरी इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।